माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे रेलवे बजट के ऊपर अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे मौका दिया। माननीय, नेटवर्क विस्तार के साथ पिछले 6 वर्षों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया, उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय रेल मंत्री जी और आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके लिए फिर से एक बार उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। जम्मू कश्मीर और खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे का विकास इन दिनों में बहुत तेजी से हुआ है। इसके लिए विशेष रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, इसके लिए सभी हमारे मंत्रीगण बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इस बजट में जो कुछ नवाचार किए गए हैं, जैसे किसान रेल का एक इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके अलावा जो रेलवे के पास लगी भूमियों पर सोलर पैनल लगाकर पावर उत्पादन करने का प्रस्ताव जो है, वो वास्तव में दोनों प्रशंसनीय नवाचार है, हम इसका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत बजट में लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए का निवेश रेल विस्तार हेतु प्रस्तावित है। निजी जन भागीदारी के माध्यम से भी इस हेतु संसाधन जुटाना प्रस्तावित है। तेजस के सफल प्रयोग को और आगे ले जाया जाना चाहिए, उसका भी यहाँ पर प्रस्ताव है। अब कुछ ग्वालियर के मेरे समस्याओं के बारे में मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा। ग्वालियर मुरैना श्योपुर ब्रॉडगेज का जो कन्वर्शन का काम है, उसे तेजी लाई जानी चाहिए। काफी दिनों से झांसी सवाई माधोपुर लाइन, इस पर काम प्रारंभ करने की डिमांड वहां के क्षेत्र के लोगों ने की है। तीन तीन लोकसभा क्षेत्रों के जो पिछड़े वर्ग का है, पिछड़े जो क्षेत्र है, उनका विकास उसमें तेजी से हो पाएगा। ग्वालियर में ही जो है हरिशंकरपुरम और तानसेन रोड, यहाँ पर 2 आरओबी भर रहे हैं, इनका काम बहुत ही सुस्त है, इसको तेजी लाई जानी चाहिए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ। डबरा में भी डबरा स्टेशन के पास एक आरओबी बनने का प्रस्ताव काफी दिनों से लंबित है, उसको भी काम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्वालियर इस अंचल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है। निजामुद्दीन और मुंबई राजधानी का स्टॉपेज ग्वालियर में मिले, इसके लिए विशेष रूप से मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ग्वालियर से अनेकों छोटे छोटे स्थानों पर भी उसका स्टॉपेज है, इसलिए ग्वालियर पर स्टॉपेज होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से मैं मंत्री से निवेदन करना यहाँ पर चाह रहा हूँ। अयोध्या के लिए ग्वालियर से एक ट्रेन चालू हो, ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये नई ट्रेन जो है भिंड इटावा कानपुर लखनऊ होते अयोध्या पहुंचे, और जो भिंड इटावा रेलवे लाइन जो 600 करोड़ रुपए से बनी है, उसका सार्थक उपयोग इससे हो पाएगा। ग्वालियर अंचल में मेरे लोकसभा के क्षेत्र में कई सारे ऐसे रेलवे अंडर ब्रिजेज हैं, जहाँ पर बरसात के दिनों में तो पानी भरता ही है, पर अन्य दिनों में वहाँ पानी इसलिए भर जाता है कि वहाँ से पास से कोई नाले जा रहे हैं, इस कारण उसे पानी हमेशा भरा रहता है। मेरा मानना है कि इसको भी विशेष रूप से एड्रेस किया जाना चाहिए। ग्वालियर से लेकर शिवपुरी की जो नैरो गेज थी, उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया था पिछले कई सालों पहले। अब वो रेलवे लाइन बिल्कुल घाटीगा और मोहना क्षेत्रों के बीच में है, और इस कारण वहां पर भी 2-3 स्थानों पर रेलवे अंडरब्रिज बनाने की बहुत आवश्यकता है। मुझे बताया गया कि जो वर्तमान स्कीम है उसके अंतर्गत शायद संभव नहीं है, पर इसको विशेष रूप से ध्यान देकर किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। फिर से एक बार इस बजट के लिए माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनको बधाई देते हुए, प्रस्तुत रेल बजट कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने में संजीवनी का काम करेगा, इस विश्वास के साथ मैं पुनः अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।